नमस्कार, मैं इम्तियाज अंसारी। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारियों से जुड़े विषय पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को दी जानकारी। समाहरणालय स्थित सभागार में आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर द्वारा लोकसभा आम चुनाव 2024 की तैयारी के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता के पश्चात गढ़वा जिले में अब तक किए गए कार्रवाई एवं 13 पलामू लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिए निर्धारित संपूर्ण निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 13 पलामू लोकसभा क्षेत्र में चौथे फेज में चुनाव होना है, जिसके लिए 18 अप्रैल 2024 को अधिसूचना की तिथि है। 25 अप्रैल 2024 का नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि है। 26 अप्रैल 2024 को नाम निर्देशनों की समीक्षा की जाएगी। 29 अप्रैल 2024 को अभ्यर्थी वापस नाम लेने की अंतिम तिथि है। 13 मई 2024 को मतदान की तिथि है एवं 4 जून 2024 को मतगणना की तिथि है। उन्होंने बताया कि डिस्पैच सेंटर के रूप में 80 गढ़वा एवं 81 विधानसभा क्षेत्र के लिए श्री सदगुरु जगजीत सिंह नामधारी महाविद्यालय गढ़वा, जबकि 76 डाल्टनगंज एवं 77 विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र हेतु गणेश लाल अग्रवाल महाविद्यालय डाल्टनगंज को तैयार किया गया है। सभी के लिए रिसीविंग सेंटर कृषि उत्पादन बाजार समिति पलामू को बताया गया। गढ़वा जिले में मतदाताओं की संख्या 10,41,022 है। वहीं प्रथम बार मतदान करने वाले नए मतदाताओं की संख्या 30,142 है, जिसमें 80 गढ़वा में 14,790 एवं 81 भवनाथपुर विधानसभा में 15,352 है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा महिला मतदान केंद्र PWD मैनेज्ड युक्त यूथ यूनिक मतदान केंद्र के संबंध में भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। कंपोजिट कंट्रोल रूम के बारे में उन्होंने बताया कि यह 24/7 कार्यरत है। भारत निर्वाचन आयोग के सभी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए निर्वाचन से जुड़े सभी कार्यों को किया जा रहा है। MCC की 100% अनुपालन हेतु वर्तमान में 8 फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 8 स्टैटिक सर्विलांस टीम एवं वीडियो सर्विलांस टीम वीडियो फिक्सिंग टीम के माध्यम से असामाजिक तत्व, अवैध शराब समेत अन्य गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। आगे जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से इंटर स्टेट चेक पोस्ट का निरीक्षण भी किया जा रहा है। वहीं CV गेल के माध्यम से अब तक 4 मामले प्रकाश में आए हैं, जिसका डिस्पोज कर लिया गया है। इंटर स्टेट चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान अब तक लगभग 4,76,000 रुपये का अवैध शराब जब्त कर लिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 29 मार्च 2024 को दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें भवनाथपुर प्रखंड कार्यालय में बतौर कनीय अभियंता अनुबंध पर के पद पर कार्यरत राजू कुमार प्रजापति पिता रामकेश्वर प्रजापति द्वारा अपने 4-पहिया वाहन JH01FL4444 के सामने बोर्ड लगाकर जिला प्रशासन रांची ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी और असैनिक अभियंता सह भावी मुख्यमंत्री झारखंड सरकार रांची लिखा गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी भवनाथपुर को अविलंब राजू कुमार प्रजापति के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए, जिसके आलोक में 29 मार्च 2024 को ही प्रखंड विकास पदाधिकारी भवनाथपुर द्वारा भवनाथपुर थाना में सुसंगत धाराओं के तहत राजू कुमार प्रजापति के विरुद्ध FIR दर्ज किए गए। ताज़ातरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार।